मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। कुछ ऐसा ही सफर रहा है गोपाल नमकीन को शुरू करने वाले बिपिन भाई हडवाणी का। दोस्तों, जब भी हमें कुछ चटपटा या नमकीन खाने का मन होता है तो सबसे पहली पसंद जो हमारी होती है वो है गोपाल नमकीन, जिसने अपने स्वाद के दम पर बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी को अपना दीवाना बना रखा है। लेकिन क्या आप अपने इस फेवरेट गोपाल नमकीन की स्टोरी को जानते हैं? अगर नहीं तो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यह स्टोरी आपको पूरी तरह से मोटिवेट कर देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए मैं आपको गोपाल नमकीन की दुनिया की सैर करवाता हूँ। दोस्तों, गोपाल नमकीन की शुरुआत दो भाइयों ने मिलकर साल 1994 में एक छोटी सी नमकीन की दुकान से की थी। दरअसल गोपाल नमकीन का फाउंडर बिपिन भाई हडवाणी को माना जाता है, जिनका जन्म गुजरात के जाम कंडोरा के भादरा गांव में हुआ था। बिपिन भाई शुरू से ही अपने गांव में पिताजी और परिवार के साथ मिलकर नमकीन की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। ज्यादा मुनाफा ना होने की वजह से साल 1990 में राजकोट में अपने परिवार के साथ मिलकर केवल 8,500 रुपए से गणेश ब्रांड नमकीन कंपनी की शुरुआत की, जिससे मिलने वाला मुनाफा उनके गांव में चलने वाली नमकीन की दुकान से कई ज्यादा था। लेकिन अब तक उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। बिपिन भाई ने अपने गणेश ब्रांड नमकीन कंपनी को बड़े स्तर पर ले जाने की सोची, क्योंकि उनकी आंखों ने तो ऊंचाइयों का सपना देखा था, लेकिन उनके पास इतना इन्वेस्ट कर सके उतने रुपए नहीं थे। तब थोड़े बहुत कर्ज लेकर उन्होंने अपनी बहन और उसके पति के साथ मिलकर 1994 में फिर से एक नमकीन की दुकान खोली, जिसका नाम उन्होंने गोपाल नमकीन रखा, और यहीं से गोपाल नमकीन का सफर शुरू हुआ। लेकिन 6 साल बाद उनके भाई ने उनका साथ दिया और वह भी गोपाल नमकीन में शामिल हो गए। दरअसल बिपिन भाई के अंदर हमेशा कुछ नया करने का जुनून था, और इस जुनून को साथ लेकर वो आगे बढ़ते रहे। और फिर उन्होंने 2003 में अपनी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक फ्राई मशीन लगाई। इनके अलावा 2006 में अपने नमकीन को सभी ब्रांड से अलग बनाने के लिए पेपर बैग की जगह स्ट्राइप पैकिंग बैग का उपयोग शुरू किया। जैसे जैसे फायदा बढ़ता गया, बिपिन भाई ने अपने बिजनेस को भी बढ़ाना शुरू किया, और साल 2009 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर गोपाल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में नमकीन के पैकेट को अपनी कंपनी में ही बनाने के लिए प्रिंटिंग प्लांट की शुरुआत की। इसके अलावा बिपिन भाई ने गोपाल नमकीन में मसाले यूज करने के लिए मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया, जिसकी एक दिन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 15 टन है, और यह प्लांट 5,850 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आगे चलकर उन्होंने अपने मेनू में काफी अलग अलग तरह की नमकीन और फ्लेवर भी ऐड कर दी, और लोगों ने भी इस बदलाव को दिल से पसंद किया। आज गोपाल नमकीन का टर्नओवर सालाना 450 करोड़ के करीब हो गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गोपाल नमकीन ने अपने प्रचार के लिए अब तक एक भी रुपये खर्च नहीं किया है। गोपाल नमकीन की सफलता के पीछे का यह भी कारण है कि उसने समय के अनुसार अपने आप को ढाला। बिपिन भाई ने संघर्षों के दम पर कैसे भी करके एक छोटी सी दुकान खोली, और उस दुकान को आज मेहनत और लगन से इस मुकाम पर ला खड़ा किया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गोपाल नमकीन की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।